दिल्ली में हूँ, दिल्ली आपके में। शहर में हूँ सर। दिल्ली में तो आप तो नेपाल जा रहे थे ना, आप नेपाल की जो समझ नहीं, नेपाल से आ गया सर, कल ही काठमांडू से आया वापस। क्या बात है सर, वंडरफुल वंडरफुल। तो वहाँ पर नेपाल की जो सोशलिस्ट पार्टी है उन्होंने आपको इनवाइट किया था कॉन्फ्रेंस के लिए, जबरदस्त सर। तो अभी क्या है सर आगे क्या मतलब? सुना यह है कि अखिलेश यादव जी ने हिदायत दी है कि भाई अब आप लोग असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी करें सब लोग, मतलब अभी लड़ाई जो है सिर्फ फर्स्ट पार्ट जीते हैं, आगे बहुत कुछ काम करना है। मनीष सिंह जी सर, जी जी सर, जो परिणाम आया है 2024 के लोकसभा के चुनाव का, जी उसमें जो 37 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी को मिली हैं, तो तकरीबन विधानसभा में हम 221 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हम लोगों ने जीता है। 221 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। जी, और गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो गठबंधन के अन्य जो उम्मीदवार थे उसमें हम लोग 292 सीटों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इस समय असेंबली के हिसाब से अगर 403 विधानसभाओं में 290 और 292 तक अगर भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराया है, तो सर ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सामाजिक न्याय की नीति है, अग्निवीर जो योजना थी, जो हमारी गैर बराबरी का जो मसला हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने उठाया, आरक्षण का मसला उठाया, इन मुद्दों पर जनता हमारे साथ खड़ी हुई, हमारी नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को स्वीकार किया। और हम लोग 2022 का चुनाव हारने के साथ ही हम लोगों ने 2024 की तैयारी शुरू किया, और उसके बाद से उसी के साथ ही हम लोगों ने प्रण लिया था। जैसे एक संकल्प होता है कि हम लोगों के मन में ये भावना थी कि 2024 तो मजबूती से लड़ेंगे, 2027 तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो सर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही विश्वास के साथ, चूंकि जनता का सिद्धांत, जनता का जो विचार है वो इस समय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों से जुड़ा हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने जिन मुद्दों को उठाया वो जनता का मुद्दा है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के देश की संसद तक हम जनता पार्टी से सवाल। लेकिन मुबारक हो सर आपको, जबरदस्त, साधुवाद आपको, कंग्रेचुलेशंस। क्या चुनाव लड़े यार, मान गए, बिल्कुल मान गए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आपने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया, जबरदस्त। सर प्रदीप सर हमेशा अयोध्या की बात पूछते थे जब हम लोग पहले डिबेट करते थे, आप बोलते थे हारने वाले, तो मैं हमेशा कहता था सर